वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो येस्टरडे हमने पढ़ा था कि कोल की हम डिफरेंट डिफरेंट से तरह से डिसइंटीग्रेशन करके हम डिफरेंट डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स उससे फॉर्म कर सकते हैं। तो एक कोल को तोड़कर हम तीन टाइप के बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो तीनों स्टेट्स में हमें कोल की कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कल भी हमने देखा था। तो जो सॉलिड फॉर्म में है उसका नाम है कोक, जो लिक्विड फॉर्म में है उसका नेम है कोल टार और एमोनिकल लिक्वर। तो दीज टू आर इन लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट इज कोल गैस। तो तीनों स्टेट्स में कोल को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है एक तरह से। फर्स्ट वन इज कोक। तो कोक क्या होता है, जब एक कोल का स्मॉलर पार्ट ऑब्टेन कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोक। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब ट्रेन्स में कोल को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या फैक्ट्रीज में, तो कोल के पीसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इतने बड़े पीसेस को नॉर्मल यूज़ करना इजी नहीं है, इसलिए उसको क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करके तोड़ के अंडर हीट इसको कोक में कन्वर्ट करके जाता, जिससे कि इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी आसान हो और यूज़ करना भी आसान हो जाए। और कोक में 98% तक कार्बन होता है, इसलिए ये स्मोक नहीं करता, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। तो घरों में पहले जब गैस सिलेंडर वगैरह नहीं होते थे तब कोक का ही यूज़ किया जाता था, आयरनिंग के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए या बारबेक्यू के लिए इसका यूज़ होता है। तो यूजेस ऑफ कोक, इसको अदर मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइक आयरन को ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल के लिए इसका यूज़ होता है। सेकंड वन इज़ कोल टार। तो ये क्या है, एक लिक्विड स्टेट है कोल की जो अंडर हीट ही ऑब्टेन होती है और इसमें मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, मतलब इससे 200 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डाइस इससे बनती हैं, पेंट्स इससे बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, नेप्थलिन बॉल्स जिसको हिंदी में फरनाइल की गोलियां भी बोलते हैं, जो आप अपने विंटर क्लोथ्स में रखते हो बिफोर स्टोरिंग इट, रूफिंग मटेरियल, तो रूफ्स पे भी इसका यूज़ होता है, परफ्यूम्स में, डिटर्जेंट में, पेस्टिसाइड्स में, प्लास्टिक में, तो इन सब चीज़ों में कोल टार का यूज़ होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में कोल टार का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एमोनिकल लिक्वर। तो एमोनिकल लिक्वर क्या है, लाइट इन वेट है देन कोल टार। कोल टार इज़ अ हैवी मटेरियल एंड एमोनिकल लिक्वर इज़ अ लाइट मटेरियल। सो क्या होता है कि जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इसको थोड़े टाइम के लिए, कल हमने पढ़ा था कि थोड़े टाइम के लिए कंटेनर्स में छोड़ दिया जाता है, वो इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि लाइट मटेरियल ऊपर आ जाएगा और हैवी मटेरियल नीचे, जिससे कि दोनों को सेपरेट करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कोल गैस। तो कोल गैस भी एक इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट है कोल का। इसमें कौन कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड, तीनों का यूज़ बर्निंग मटेरियल में यूज़ होता है। तो ये इजीली कैच फायर, मतलब इसको जल्दी से आग लग जाती है, कैच फायर को कैच कर लेती है इजीली, लाइक अ कुकिंग गैस। तो इसको कुकिंग गैस एंड अदर फ्यूल
इन इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है और कुकिंग गैस के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो आगे टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ कोल। तो कोल के यूजेस मैं आपको फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, कि इसको रेलवे इंजन्स में, फर्स्टली मेन जो है रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है, इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि नेप्थलिन के बॉल्स एंड अनदर मटेरियल्स, अदर 200 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम द कोल टार। तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन होता है। उसके बाद है, इसको हम घरों में भी यूज़ करते थे पहले फॉर कुकिंग फूड, एंड इसको आयरनिंग के लिए भी यूज़ करता है, कपड़े प्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। थैंक यू स्टूडेंट्स।